नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगा राज्यसभा को लेकर। जी हाँ, राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और सबसे बड़ी बात है जाने क्यों आपको मैं बताऊंगा कि राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया प्रधानमंत्री भाषण का ये अंश। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक भाषण दिया था और उनके भाषण का एक अंश जो है हटा दिया गया। क्यों हटाया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में से एक हिस्से को हटा लिया गया। दरअसल राज्यसभा उपसभापति के चुनाव के बाद एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में उनकी तारीफ की। इस दौरान वे कुछ ऐसा भी कह गए जो सदन में उपस्थित कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगा। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मोदी के भाषण में से इस हिस्से को अपमानजनक मानते हुए कार्यवाही से हटा दिया गया। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सही नहीं था और उस पर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई, जिसके बाद इसे हटा दिया गया उनका वो भाषण का अंश। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जाहिर की थी। बता दें, पीएम मोदी उपसभापति के चुनाव के दौरान राज्यसभा में मौजूद थे और उन्होंने एक संक्षिप्त वक्तव्य भी दिया था। सदन में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने मोदी की टिप्पणी पर एतराज किया था और सभापति से इसे कार्रवाई से हटाने की मांग की थी। उन्होंने इस टिप्पणी के खिलाफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री की टिप्पणी को कार्रवाई से हटाना पड़ा हो। उन्होंने सभापति के इस फैसले पर खुशी भी जाहिर की थी। तो ये यहाँ पर देखने को मिला। जी हाँ, पीएम मोदी ने बलिया से जेपी के गांव सिताब दियारा से आने वाले हरिवंश के जीवन को 9 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति से जोड़ते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में बलिया का नाम अग्रिम पंक्ति में रहा है। मंगल पांडे, चिंटू पांडे, चंद्रशेखर के बाद अब हरिवंश भी इस पंक्ति में शामिल हो गए हैं। हरिवंश के पत्रकारीय जीवन का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहने के चलते उन्हें हर खबर पहले पता होती थी, लेकिन उन्होंने अपने अखबार को चर्चित बनाने के लिए कभी इसका लाभ नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने हरिवंश के सादे जीवन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में रहे, लेकिन उन्हें महानगरों की चकाचौंध कभी रास नहीं आई। उन्होंने हमेशा जन सामान्य और आखिरी पंक्ति में खड़े वंचितों की आवाज़ प्रमुखता से उठाई। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि पहली बार इस तरह से हुआ है कि पीएम का जो भाषण है उसका थोड़ा सा अंश हटा दिया गया और जिस तरह से उन्होंने इसे क्रांति दिवस से जोड़ते हुए ये चीज़ें बात की। और जो अगर हम बात करते हैं जिन बड़े जो क्रांतिकारी थे उनका नाम उन्होंने जिस तरीके से हरिवंश के साथ जो है लिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। जी हाँ, जो उसमें देखने को मिला है कि उन्होंने इस तरह की जो बात भी कही, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और हरिवंश का नाम इस तरीके से जोड़ना उन क्रांतिकारियों के साथ, ये चीज़ें बीजेपी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन क्रांतिकारियों की एक अपनी अलग जगह थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद उन्हें सफलता मिली थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी देश को आज़ाद कराने में और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक बड़ी भूमिका दी थी आज़ाद करवाने में देश को, तो उसको वो चीज़ें जिस तरीके से हरिवंश के साथ पीएम मोदी ने जोड़ दी, तो ये कह सकते हैं कि भावुकता में आकर उन्होंने इस तरह की बात कह दी और यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। तो वाकई में अभी तक जो देखने को मिला कि पीएम मोदी की बड़ी गलती है यहाँ पर, ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में ये बड़ी बात कही और इस पर आपत्ति जो है विपक्षी पार्टियों ने जताई भी। और हालांकि आपत्ति जताने के बाद जो अंश था वो हटा दिया गया। तो ये देखने को मिला है कि अक्सर हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है नेता भावुकता में आके इस तरह का बयान दे देते हैं या बोल देते हैं जो सही नहीं होता है। पीएम मोदी की अगर हम बात करते हैं तो भावुकता में आकर उन्होंने इस तरह की बात कह दी थी और जिस तरह से
क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने नाम जोड़ा था हरिवंश का, तो ये विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आई और ये बड़ी गलती जो है पीएम मोदी की देखने को मिली कि उनकी अपनी सरकार में जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी गलती की और इसका जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो उनके भाषण का अंश हटा दिया गया, हालांकि मैंने बताया भी कि क्या उन्होंने पीएम मोदी ने बोला था और विपक्ष की अगर हम बात करते किस तरह से उन्होंने आपत्ति जताई थी, तो ये वाकई में गौर करने वाली बात है कि पीएम होने के नाते या कह सकते हैं कि पीएम पद पर बैठने के जो है बाद इस तरह की गलती की जो है उम्मीद नहीं की जाती है। और पीएम मोदी की अगर हम बात करते हैं तो पीएम मोदी की ये जो गलती है इसका कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना सकती है, विपक्ष बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसे जो है कह सकते हैं इससे बीजेपी पर निशाना साध सकती है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष को बैठे बैठाए जो है मुद्दा मिल रहा है, तो इससे विपक्ष जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है और क्या विपक्ष इस जो मुद्दे को घेर के क्या वो कुछ उसको कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।